सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा 8 जल्द ही आने वाला है और सभी टीमें अपने कौशल के साथ तैयार हैं और प्रतिभागियों को जज करने के लिए सभी जज भी तैयार हैं। अब देखते हैं कि इस बार झलक में क्या नया होता है। It's okay to compromise on sleep. It's okay to compromise on personal life. I'm here to live my dream. I'm here to do something in my life, and for that, I have to compromise on something. Any particular dance form you're looking forward to learning? I am looking forward to hip hop because I love hip hop. देखिए, मेरा ये मानना है कि ये शो बाकी शो से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स लोग को डांस करना है, यहाँ पर डांसर लोगों को डांस नहीं करना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डांसिंग विद द स्टार्स। सो हम लोग को कंटेस्टेंट्स को एक सेकेंड हम लोग को कंटेस्टेंट्स को एज डांसर नहीं देखना है, एज स्टार्स देखना है। तो हाँ, मुझे मालूम है कि पहले बहुत बारीकी से डांस देखा जाता था, बट मैं ये मानता हूँ कि डांस उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, और बाकी आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टारडम, आपका स्टार वैल्यू आपको डालना चाहिए एक परफॉर्मेंस में। काफ़ी चीज़ें रिलोडेड हैं, नए जजेस पैनल है, नए कंटेस्टेंट्स हैं। इस बार पहली बार झलक मैं अकेले होस्ट कर रहा हूँ, सो आई थिंक बड़ा नयापन है। आई होप हम सब ये जो नयापन प्लान कर रहे हैं सब कुछ लोगों को अच्छा लगे और हमारा प्यार लोगों तक पहुँचे और उनका प्यार हम तक आए। इस बार जो है जजेस में चेंजेस आया, शाहिद और शाहिद हैं, गणेश हैं, लॉरेन हैं, करण हैं, और रमो सर और माधुरी को भी मिस करेंगे शो में, क्योंकि या डेफिनेटली मिस करेंगे। आई थिंक जो भी ऑब्वियसली जो झलक इतना बड़ा क्रिएट हुआ है उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, नोबडी कैन डिनाई दैट। डेफिनेटली मैं माधुरी मैम को बहुत मिस करूंगा, करण सर को बहुत मिस करूंगा, अपना रेमो सर को बहुत मिस करूंगा, उनकी जो उनके साथ जो मस्तियां होती थी मिस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ न्यूअर सीजन। ये थी एनएनआई द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट।